नहीं बन पाएगा ना। हाँ हाँ नहीं तो सब लोग नहीं रह रहे हैं, जो गार्जियन है वो ऊपर है, बाकी जो है सब फैमिली हटा दिया लोग। नाव चल रही है आने जाने के लिए। हाँ नाव चल, बहुत कमी लोग हैं, ज्यादा हाँ रेयर लोग हैं। अच्छा सुरक्षा की दृष्टि से जी प्राइवेट है नाव नहीं सरकारी नाव है, सरकारी नाव है, प्राइवेट नाव तो नहीं चल, प्राइवेट नाव चल रही है अभी, वो इंडिया पॉलिटी है वो चल रही है, बाकी सड़ते हुए इलाकों में ना इतना पानी है, बच्चों के दिमाग में लौट जाएगा, रोज न्यूज पेपर आ रहा है उसमें सारी चीजें अवगत हो रही है, बच्चे भी आजकल इंटरनेट पे है सब कुछ देख रहे हैं, तो अपना आकलन ले रहे हैं। खाने पीने का जो डेली रिक्वायरमेंट है, अब वो जो बच्चे थोड़ा वहाँ चले गए हैं परिवार विद्यालय में, उनके लिए जो व्यवस्था है वहाँ पे है, बाकी हाँ अभी कोई जो है नीचे ज्यादा पानी नहीं है, थोड़ा सा जहाँ बताया मैं आपको लगभग यहाँ से 100 मीटर जा करके बहुत ज्यादा पानी आया, अभी तो इधर मालिक थोड़ा बहुत है, पूरे पूरे घर खाली कोई नहीं है, नहीं घर कोई कोई खाली हो गए होंगे, जो अधूरे निर्माण में होंगे, जो निर्माण पूरे हो गए हैं 2 फ्लोर 3 फ्लोर है तो वो अपने घर में है। हो जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ऐसे समय पर एक तो बाढ़ ने मार लिया और एक सामान चोरी हो जाएगा तो बहुत परेशानी। नाव वाले अलग हो जाओ, आप लोग अलग हो जाओ, यार क्या तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, फिर क्या घुस आप तुम चाहोगे तो तुम्हारी एरिया में बेवकूफ़ बनाना, तुम गधे को भी बेवकूफ़ बना दे, पानी नहीं उसका उधर इसलिए खड़ा नहीं होगा क्योंकि बीच में उंगली ना करे। से NDRF की टीम ने भी स्पॉटेड किया, स्थानीय लोगों के भी कंप्लेन है कि खाली घरों में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इस पे आज आपने किस तरीके से एक्शन लिया है और आज आपने क्या किया? ये प्रयागराज पुलिस की मुहिम है, हम लोग सभी अपने प्रयागराज वासियों को सुरक्षित रखें, इसके तहत जितने भी बाढ़ ग्रसित एरिया है उसमें चाहे जमुना किनारे हो गंगा किनारे हो उन सभी एरिया पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, गश्त की जा रही है, साथ ही वहाँ के जो आसपास के नाविकों हैं उनके साथ मीटिंग करके किस तरह हम अपनी एरिया को सुरक्षित रख सकते हैं, पुलिस और पब्लिक का सहयोग से आसपास की जो चोरी की घटनाएं जो हो सकती है उनको किस तरह रोकथाम की जा सके और अपराधियों को किस तरह रोका जा सके उसकी स्कीम बना के लोगों के साथ शेयर करके उनके साथ बात करके एक पब्लिक पुलिस की पार्टनरशिप को समन्वय बनाकर हमने पूरी योजना बनाई है, उसी के तहत आज ये गश्त मेरे द्वारा साथ ही CO चतुर्थ और SHO कर्नलगंज धारागंज के द्वारा ये छोटा बगाड़ा एरिया में की जा रही है। इसी मुहिम के तहत पूरे प्रयागराज शहर में जो भी बाढ़ ग्रसित एरिया है इस तरह की गश्त की जा रही है। सर जो देखा गया है कि तटीय क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, इस पर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे आप, क्या उधर किस तरीके से क्या पानी की पेट्रोलिंग करेंगे या किसी और तरीके से इस पर आप वो करेंगे? ये तटीय एरिया जो बाढ़ ग्रसित एरिया है वहाँ पे चोरी की घटना रोकने के लिए ऐसी स्कीम बनाई गई है कि वहाँ पे जल पुलिस के द्वारा वहाँ पे रेगुलर पेट्रोलिंग होगी और साथ ही जो आसपास के जो ऊंचे हाईटेड मकान हैं वहाँ पे पुलिस पार्टी और पब्लिक की वहाँ पे निगरानी की जाएगी, टॉर्च और CT के माध्यम से कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध कोई बोट दिखती है तो उसको चिन्हित किया जाएगा, तुरंत ही पुलिस के सहयोग और इनको पकड़ा जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।